वो ट्रैक्टर ट्रोली यहाँ पर खड़ी थी और जो उनके साथी हैं वो डीजल लेने के लिए बाइक पर गए हुए थे और जैसे ही वो डीजल लेकर आते हैं ट्रैक्टर ट्रोली में जो है वो डीजल भरा जा रहा होता है, लेकिन उसी दौरान जो ये कैंटर है पीछे से आकर तेज रफ्तार टक्कर मार देता है। एक व्यक्ति जो गोंदर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो ट्रैक्टर ट्रोली का ड्राइवर था वो बताया जा रहा है, उसकी मौत हो जाती है या उसके जो साथ सहयोगी आया है वो भी घायल हो जाता है। उसका जो सहयोगी था उसको फोन करके बुलाया था। ये शायद शराब गिरती हुई गाड़ी से नजर आ रही है, शराब है या फिर कुछ और है, शराब गिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में पता लगाने का भी प्रयास किया जाएगा कि इसके जो कैंटर चालक है वो सोनीपत में किस जगह का रहने वाला है। हवा ले गया था ट्रैक्टर तो इसमें तेल डाल रहे थे और पीछे से ये गाड़ी आई है, स्पीड में आई है, राम जाने कैसी आई है, इसने इसको टक्कर मारी। मौके पे खत्म हो गया था और दूसरे को भी निकाल के अस्पताल एम्बुलेंस ले गया करनाल। उसको आगे बताओ क्या हो सकता है। तकरीबन असंध के पास एक हादसा हो जाता है और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल हादसा जो हुआ है वो असंध रोड पर हुआ है। असंध रोड पर शेखपुरा और मंचूरी गांव के पास ये हादसा हुआ है। एक ट्रैक्टर ट्रोली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी और ये ट्रैक्टर ट्रोली वहां पर खड़ी थी और जो ट्रैक्टर ट्रोली है उसका पेट्रोल खत्म हो गया था, डीजल खत्म हो गया था और भरने के लिए ताकि ट्रैक्टर ट्रोली को फिर से चलाया जा सके तो वो बंद कर दी थी और बाइक पर पेट्रोल डीजल लेने के लिए गए हुए थे। उसके बाद पेट्रोल डीजल लेकर आते हैं, ट्रैक्टर ट्रोली के अंदर डीजल भरा जा रहा था और उसी दौरान पीछे से ये कैंटर आ जाता है और कैंटर जब पीछे से आता है तो वो टक्कर मार देता है जिसमें एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है जबकि दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये जो कैंटर है इसके अंदर देसी शराब बताई जा रही है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जो दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, क्योंकि यहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए थे और उनका क्या कुछ कहना है वो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया कहां पर ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ है, कहां ये गांव मंचूरी और शेखपुरे के बीच में हुआ है। तो ये ट्रैली खड़ी थी, हवा ले गया था ट्रैक्टर तो इसमें तेल डाल रहे थे और पीछे से ये गाड़ी आई है, स्पीड में आई है, राम जाने कैसी आई है, इसने इसको टक्कर मारी। कितने लोगों की मौत हुई? लोगों की मौत तो मौके पे खत्म हो गया था और दूसरे को भी निकाल के अस्पताल एम्बुलेंस ले गया करनाल। उसको आगे बताओ क्या हो सकता है। तकरीबन दो लोगों को लेके गई है, तीन को ले गई है, एक तो पहले ही मौके पे खत्म हो गया था तो एक तो अभी निकाला है 15-20 मिनट पहले, उसको लेके गई है एम्बुलेंस करनाल। तो ये ट्रॉली कहाँ जा रही थी? ये तो कहीं जा रही होगी, अब क्या मालूम कहाँ जा रही है। अंदर कैंटर में शराब है, शराब की भरी हुई है गाड़ी। तो ऐसा ये गाड़ी का भी मालूम नहीं है, इसको ड्राइवर मालिक को मालूम है, लाइसेंसी है या क्या है, परमिट होगा तभी लेके जा रहा था वो। तो ड्राइवर को चोट है। हुआ कहाँ पर है? ये गांव शेखपुरा मंचूरी के बीच में हुआ है। तो शेखपुरा और मंचूरी गांव के पास ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और तमाम आस पड़ोस के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये हादसा कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो है स्टेट हाईवे है, ये करनाल और असंध का हाईवे को जोड़ता है, यानी कि करनाल से आपको असंध जाना है तो फिर आप इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, उसका जो डीजल है वो खत्म हो गया था, उनके साथी डीजल लेने के लिए गए हुए थे। उसके बाद जब डीजल डाला जा रहा था उसी दौरान पीछे से आकर कैंटर टक्कर मार देता है। बीर सिंह जी हमारे साथ हैं। बीर सिंह जी आप क्या कुछ हादसा हुआ? भैया से हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंट्रोल ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया, तो मुख्य वजह जो पब्लिक ने बताया भी ट्रैक्टर का तेल खत्म हो चुका था, उसमें तेल डाल रहे थे, पीछे कंट्रोल आ गया उसमें लग गया, तो जो इंजर्ड है उसको करनाल भेज दिया गया।
कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं? फिलहाल तो एक की कह सकते हैं मौत हुई है, लेकिन बाकी इंजर्ड ही है, करनाल दो इंजर्ड है। अच्छा, जिसकी मौत हुई है वो ट्रैक्टर ट्रोली पर था या कैंटर में? ऐसा कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं कह सकते अभी, तो उसके बारे में और नीचे था या उसमें था। कहाँ कहाँ के क्या ये जो आइडेंटिफाई पता लगे, एक का जो मोबाइल मिला है जो नीचे मरने वाला है वो गुंदर का है, गुंदर का है ट्रैक्टर वाला, और जो कंटर वाला वो अपना छिड़ाना सोनीपत का है। अच्छा, और इसके अंदर क्या है सर? तो इसके अंदर अभी शराब बता रहे हैं, शराब है। तो जांच की जाएगी सर? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ की जांच की जाएगी और कार्रवाई अपने बुलाई जाएगी। ये भी जांच की जाएगी, लाइसेंस? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर चीज़ का हर पहलू से आपको जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आपका शुभ नाम? एसआई सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी हैं, उनकी पूरी टीम पहुंची है जलमाना थाना, लगता है ये जलमाना थाना जो पुलिस चौकी है वहां की ये टीम यहां पर पहुंची है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं शराब की जो बोतलें हैं वो इस कैंटर के अंदर है, और जो देसी शराब है वो लेकर जाई जा रही थी, लाइसेंसी है या फिर अवैध रूप से लेकर जा रहे थे, इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल करेगी, ये जांच का विषय है। और फिलहाल जो हादसा होता है वो जलमाना जो गांव पड़ता है, पुलिस चौकी पड़ती है, उस पुलिस चौकी के अंडर में आता है, मंचूरी गांव है, शेखपुरा और मंचूरी गांव के बीच ये हादसा हो जाता है। दरअसल एक जो ट्रैक्टर ट्रोली जिसके अंदर डीजल खत्म हो गया था वो ट्रैक्टर ट्रोली यहां पर खड़ी थी, और जो उनके साथी हैं वो डीजल लेने के लिए बाइक पर गए हुए थे, और जैसे ही वो डीजल लेकर आते हैं ट्रैक्टर ट्रोली में जो है वो डीजल भरा जा रहा होता है, लेकिन उसी दौरान जो ये कैंटर है पीछे से आकर तेज रफ्तार टक्कर मार देता है। गाड़ी की रफ्तार तेज थी या धीमे थी ये जांच का विषय है, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा रहता है इस सड़क पर, और अंधेरा बहुत ज्यादा रहता है तो फिर आप समझ सकते हैं गाड़ी चलाने में कितनी परेशानी आती है। ये शायद शराब गिरती हुई गाड़ी से नजर आ रही है, शराब है या फिर कुछ और है, शराब गिरती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में पता लगाने का भी प्रयास किया जाएगा कि इसके जो कैंटर चालक है वो सोनीपत में किस जगह का रहने वाला है। जो एक फोन मिला है उससे ये जरूर पता चला है कि ट्रॉली का जो ड्राइवर था या उसका जो साथी है वो गोंदर गांव का रहने वाला है। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो जाती है जबकि दो घायल बताए जा रहे हैं। आप मौके पर पहुंचे, कैसे क्या कुछ जानकारी मिली थी? सर हम तो गांव में थे जहां पर ट्राली खड़ी थी, इसका मतलब डीजल खत्म हो गया था ट्रैक्टर का, तो ये गांव गोंदर के नज़दीक यहां जंगली में बाहर से इनको फोन करके बुलाया, वो पेट्रोल पंप से मतलब डीजल लेके आए तो वो डीजल ही भर रहे थे। ये टेम्पो चालक दारू पिया हुआ था, ये स्पीड से आ रहा था तो अपना कंट्रोल खो दिया इसने, तो ट्रैक्टर ट्राली को हिट किया, तो ट्राली देख लो कोई तकरीबन 30 फुट सरक चुकी है। तो मोटरसाइकिल, अभी ये डेथ किसकी हुई है, मोटरसाइकिल वाले की हुई है या ट्रैक्टर वाले की हुई है ये क्लियर नहीं। ट्रैक्टर वाला और मोटरसाइकिल वाला वो आपस में, हाँ वो डीजल लेके आया था, वो डीजल लेके आया था मोटरसाइकिल वाला, ट्रैक्टर वाला आपस में जाते बुलाया था उसको। कितने घायल हुए हैं इसमें? दो इंजरी हो गए, दो इंजरी। पुलिस आ गई है, पुलिस मौके पे आ गई थी, एम्बुलेंस भी ठीक टाइम पे पहुंच गई थी। कैंटर में शराब? हाँ जी हाँ जी, कैंटर में शराब है। आपका नाम? मेरा नाम राजबीर सिंह है। राजबीर सिंह है, मौके पर पास के गांव में ही रहते हैं, शेखपुरा और मंचूरी गांव के पास ये हादसा हुआ। आप समझ सकते हैं कि पीछे से कितनी रफ्तार से ये कैंटर आया होगा, क्योंकि तकरीबन 30 फुट तक जो ट्रोली है उसको घसीटता हुआ वो आगे ले जाता है। यहां पर बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रोली खड़ी थी और उनके जो साथी थे उनको डीजल डलवाने के लिए बुलाया जाता है कि बाइक पर वो डीजल लेकर आए। डीजल जैसे ही लेकर आते हैं डीजल वो डाल रहे होते हैं, लेकिन पीछे से आ जाता है ये कैंटर और सीधा कैंटर की जो टक्कर होती है वो ट्रैक्टर ट्रोली के साथ होती है, बाइक भी उसके अंदर क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, वो किसकी मौत हुई है ये जांच का विषय है। और मानस की, जबकि गरीब तकरीब मानस है जी, मौके पे उसकी टक्कर हुई है, और तेल गलवाने के लिए दूसरा बंदा बुला रखा था पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पर टक्कर हुई है उसके साथ में, और तेल तो ट्रैक्टर में गले नहीं है अब तक भी। जिसकी ट्रैक्टर ट्रोली थी उसकी डेथ हुई है।
नहीं, ड्राइवर था ट्रैक्टर ट्रोली का। हाँ। कहाँ का रहने वाला था? गोंदर गांव का। क्या नाम था? बंटू। बंटू ना। आप कहाँ के रहने वाले? गोंदर गांव के। आप गोंदर गांव के रहने वाले हैं। और बाइक वाला कहाँ का रहने वाला है? ये भी तो मतलब परिचय है, हम तो गांव से भी आने लग रहे हैं, हमारे को क्या पता भी कहाँ का रहने वाला, कहेगा टेम्पू वाला मान वाला टक्कर है हमारे को क्या पता। क्या काम करता था बंटू? बंटू ड्राइवरी करता है। ड्राइवरी कर। हाँ। शादी हुई हुई है बंटू? साधु है, चार तीन लड़की है। हाँ। उसके पास। हाँ। एक लड़का। कितनी उम्र है? 22-23 साल की उम्र है उसकी, 25 की होगी होगी। ये हादसा जो होता है वो मंचूरी गांव के पास हुआ है, शेखपुरा मंचूरी गांव के पास हुआ है। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जाएगी। आप लोगों से अपील है, नेशनल हाईवे पर चलते हैं या फिर स्टेट हाईवे पर चलते हैं, गाड़ी की रफ्तार धीमी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, जिसके बाद हादसा होने का जो डर है वो बना रहता है, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। बहुत जगह हम देखते हैं कि स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, वहां पर लाइट भी नहीं होती, और यही आलम असन से करनाल सड़क पर आप जाएंगे, रोड पर आप जाएंगे तो आपको कहीं पर भी लाइट नजर नहीं आएगी। ड्राइवर बड़े मुश्किल तरीके से गाड़ी को चलाता है और परेशानी उसके लिए बन जाती है, और ऐसे में अब हादसा भी हुआ है। और फिलहाल जो तमाम लोग हैं मौके पर पहुंचे हैं, गोंदर गांव से भी पहुंचे हैं, बताया जा रहा है एक व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है वो गोंदर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, और शराब का जो कैंटर है उसमें एक बार जांच पड़ताल की जा रही है, उसे खोलने का देखने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके अंदर जो शराब है वो अवैध रूप से लेकर जाई जा रही थी या फिर वो लाइसेंसी थी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जलमाना जो पुलिस चौकी है उसके अंडर में ये पूरा मामला आता है, उनकी टीम भी मौके पर पहुंची है। एक व्यक्ति जो गोंदर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो ट्रैक्टर ट्रोली का ड्राइवर था वो बताया जा रहा है, उसकी मौत हो जाती है या उसके जो साथ सहयोगी आया है वो भी घायल हो जाता है। उसका जो सहयोगी था उसको फोन करके बुलाया था, भैया ट्रैक्टर ट्रोली में डीजल खत्म हो गया है, आप बाइक पर लेकर डीजल आ जाइए। वो डीजल लेकर आता है लेकिन पीछे से टक्कर मार देता है कैंटर, जिसके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, दो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।